शुक्रिया मैडम, क्या आप इस खबर को कंफर्म करती हैं? आपको कब एहसास हुआ कि आप आर्यन भत्रा से प्यार करती हैं? अब जब आपके इश्क के चर्चे इतने जोरों पर हैं, तो आपके अपने हस्बैंड को छोड़ने वाली हैं? जैन सर। जैन मिस परागी, प्लीज लिसन टू मी। जब तक मीडिया शांत नहीं हो जाता है, आप वापस चले जाइए। प्लीज स्टे एट होम। मैडम जी, मैं भी गाड़ी तंग कर लेता हूँ। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इस बात का जवाब तो देना ही पड़ेगा। समाज जानना चाहता है क्या हो रहा है, क्या चलेगा आगे। आप एक शादीशुदा औरत हो के ऐसे कैसे कर सकती हैं? आपके कंधे पे समाज की जिम्मेदारी। आप ही ऐसा करेंगी तो सोसाइटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? थैंक यू फॉर योर एडवाइस। आप लोगों ने मुझे मेरी जिम्मेदारी तो बता दी, पर आप लोग जानते हैं ना कि मीडिया की कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सच को सामने लाना, और वो भी पूरे सच को। न जाने कहां से आपके हाथ ये फोटो लग गई और आपने हाथों हाथ छाप दी। आपने फोटो भेजने वाली सोर्स को वेरीफाई किया? इसके पीछे उसका मकसद क्या था उसके बारे में पता किया? इस बात की जांच पड़ताल की कि इसमें जैसा दिख रहा है वो सच है भी या नहीं? आधी अधूरी बिना वेरीफाई की हुई न्यूज कितनी डेंजरस हो सकती है, इस बात का एहसास है आप लोगों को? आपकी इन कोरी अफवाहों से ना सिर्फ आप मेरी इमेज बिगाड़ रहे हैं, बल्कि मेरा टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं। पहले सच तक पहुंची, उसके बाद सवाल कीजिए। साइड प्लीज। मैं ये अच्छे से जानती हूँ कि मेरा संजू कभी मेरे प्यार पे, मेरे कैरेक्टर पे शक नहीं करेगा। इस रिश्ते को मैंने सब कुछ दे दिया परागी, सब कुछ। इतना कि अब मेरे पास खुद को देने के लिए भी कुछ नहीं बचा। ये रिश्ता खत्म करना आसान है मेरे लिए? नहीं है। सब कुछ मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मेरी मुश्किलें और मत बढ़ाओ। ये बात और ये रिश्ता यहीं खत्म कर दो। शादी से पहले प्रॉब्लम्स थी, शादी के बाद प्रॉब्लम्स हुई। प्यार कहां है, सिर्फ प्रॉब्लम्स है। तो अगर ये रिश्ता प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को निकालते हैं और सब कुछ ठीक करते हैं। और हो सकता है कि शायद यही इस रिश्ते की किस्मत हो। जो किस्मत में हमारा रिश्ता भी नहीं था, हम किस्मत से लड़के इस रिश्ते को बनाया हमने। ये छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से तुम वो तोड़ कैसे सकते हो? सर, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की सभी फाइलें ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई हैं। मैं बस फाइनल रिपोर्ट रेडी करने जा रही थी। एंड वन मोर थिंग सर, मुझे छुट्टी नहीं चाहिए। ऐसी सिचुएशन में माइंड बिजी हो वही सही होगा। वेल मिस परागी, किसी ने सही कहा है, कोई प्रॉब्लम कभी अकेले नहीं आती। देयर इज वन मोर बैड न्यूज। हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाले केस पर काम नहीं कर सकते। व्हाट? आप छुट्टी नहीं लेना चाहती हैं, लेकिन आपको लेनी पड़ेगी। ऑर्डर्स हैं, जब तक इन्वेस्टिगेशन हो रही है हम केस पर काम नहीं कर सकते। बट सर, दिस इज नॉट फेयर। इस केस पे हमने कितनी मेहनत की है वो सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी, और जितने भी करप्ट बिजनेसमैन है सबको इजिली भागने का मौका मिल जाएगा। सर, आई नो, बट आई कांट हेल्प इट। एंड आई डाउट, मुझे लगता है कि हमारे साथ ये जो
फेक न्यूज स्कैंडल किया गया है, इसमें भी कोई एक्यूज पार्टी शामिल हो सकती है। जो है सो है। मिस परागी, आप घर पे रहिए, ड्यूटी कब से रिज्यूम करनी है आपको बता दिया जाएगा। वैसे भी रिसेंटली आपकी लाइफ में काफी सारे अप्स एंड डाउन्स हो चुके हैं। आई थिंक यू नीड सम टाइम एंड रेस्ट टू रिजॉल्व इट। बुलावे तुझे यारे आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया। ना आए कभी दोनों में जरा भी फासले, बस एक तू हो एक मैं हूँ और कोई ना। है मेरा सब कुछ तेरा तू समझ ले, तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले। तू सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे, मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के। जिसे मुझे बस यही रह जाना, लगी है तेरी आदतें मुझे जब से, है तेरे बिन पल भी बरस लगते। बुलावे तुझे यार आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया। जो होवे तू उदास मुझे देखे हंस दे, तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले। तू सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे, मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के। परागी, तुमसे प्यार करता हूं, इतना प्यार करता हूं कि अगर तुम्हारी खुशी मुझसे दूर जाने में है तो चला जाऊंगा, दूर चला जाऊंगा मैं तुमसे, लेकिन तुम्हारी खुशियों को कभी कम नहीं होने दूंगा, कभी। ये क्या है, ऑफिस का सारा सामान समेट लाई हो क्या? नहीं मतलब कल तो घर वालों ने निकाल दिया था घर के बाहर, आज के ऑफिस वालों ने भी हाथ खड़े कर दिए। भैया प्लीज, अभी मुझ में बिल्कुल एनर्जी नहीं है आपके किसी भी सवाल का जवाब देने की, मुझे हराम करना प्लीज। वाह जीवा, गुल तुम खिलाओ और मोहल्ले वालों के सवालों के जवाब हम दें, तुम तो अंदर चली जाओगी, हम कहां जाएं? जमीन में धस जाएं? आज ही वो पड़ोस वाली चौधराइन बोल रही थी, सुना है परागी के पति ने उसको छोड़ दिया। आपको पता है, मुझे लगता था संजय और मैं एक दूसरे के लिए एकदम सही है, परफेक्ट है, लगता है हमारी परफेक्ट जोड़ी को ना मेरी नजर लगी। नजर लगी नहीं है, तेरी खुद पे से नजर हट गई है परागी। मैं बताती हूँ, चल उठ, आ मेरे साथ। आईने में खुद को देख, तू परागी है ना? खुद को पहचान, अपनी हिम्मत अपनी शक्ति को याद कर। कुछ नजर आया? तू एक आईएएस अफसर है, अपने पापा की बेटी है, मेरी बेटी है, इतने बड़े खानदान की बहू है तू। मैंने तेरे साथ इतना कुछ किया, पर तूने कभी हिम्मत नहीं हारी। मैंने तेरे ससुराल वालों के साथ इतना कुछ किया, उसके बाद वो लोग सब तेरे खिलाफ हो गए,
यहाँ तक कि संजय बाबू भी तुझसे नाराज हो गए। पर तूने तूने हिम्मत नहीं हारी और तू सब कुछ ठीक करने के इरादे से अपने ससुराल गई। बताए परागी, तेरी सबसे अच्छी बात क्या है कि तुझे हार मानना आता ही नहीं है। तो फिर अब कैसे तूने हार मान ली? तुझे तो लड़ना आता है, जा लड़ अपने प्यार के लिए, सच्चाई के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने मान के लिए, अपने रिश्ते के लिए, जा लड़ परागी। मेरे पास इस बात को साबित करने के लिए कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ एक डाउट है और उस डाउट की वजह है, तुम्हें याद है उस दिन जब तुम इंस्पेक्शन के लिए गई थी, मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे ऑफिस आ रहा था और अचानक से मुझे रास्ते में मिश्रा जी मिले, उन्होंने मुझे बताया कि तुम इंस्पेक्शन के लिए गई। एक मिनट, इंस्पेक्शन के लिए मैं तुम्हें बताकर ही घर से बाहर निकली थी, याद है जब तुम वॉक पर जा रहे थे? मुझे एक इंस्पेक्शन के लिए रामगढ़ जाना है, रात तक आ जाऊंगी मुंबई। ओके चल बाय। मैंने ईयरफोन्स लगाए हुए थे, कुछ सुनाई नहीं दिया। एनीवे, मुझे वहां पर एक होटल की रिसीप्ट मिली। और सामने से चाची की कार जाती हुई दिखाई थी। मुझे लगा कि मैं घर जाऊंगा और उनसे बात करूंगा कि आखिर बात क्या है, लेकिन जैसे ही घर पहुंचा तो उन्होंने मेडिटेशन का नाटक शुरू कर दिया, मेरा फोन मुझसे ले लिया। संजीव चाची, परागी का फोन नहीं मिल रहा है, मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। शाम तक वो आ ही जाएगी ना। थैंक यू। मैं सिर्फ इस बात की टेंशन में था कि तुम ठीक हो या नहीं, मैं यही सोच रहा था और मुझे बात समझ में नहीं आई। लेकिन हाँ, मुझे बात तब समझ में आई जब मैंने न्यूज फ्लैश होते हुए देखी, तब एक के बाद एक डॉट्स कनेक्ट होते गए और मुझे मुझे यकीन हो गया कि ये सब कुछ चाचा और चाची ने किया है। और मेरा शक यकीन में तब बदला जब ये लोग ये न्यूज सुन के ऊपर से तो गुस्सा दिखा रहे थे और अंदर से खुश होते थे, और उनकी खुशी का कारण था न्यूज के बाद मेरे और बत्रा सर के हाथ से वो इंस्टीट्यूट वाला केस ले लिया जाना। संजय, आई एम रियली सॉरी आपके फैमिली के बारे में ऐसा बोल रही हूँ, पर ये क्या है, अपने बिजनेस पे आंच ना आए उसके लिए अपने घर की बहू पे इतना घिनौना लांछन लगाना पड़े। छी परागी, आई एम रियली वेरी सॉरी, ये सब कुछ मेरी फैमिली की वजह से। संजू, ना ही तुम सॉरी बोलो ना फील करो, तुम्हें मुझ पे विश्वास है ना, बस मेरे लिए सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक। और हाँ, शक के बेस पर हम कुछ प्रूव नहीं कर सकते, अगर साबित करना है तो हमें सबूत की जरूरत होगी। राइट, हमें कोई ना कोई सबूत तो चाहिए होगा। क्या हो सकता है, कोई, एक मिनट, तुम जिस दिन इंस्पेक्शन के लिए गई थी वहां पर कोई तो सिक्योरिटी के लिए तुम्हारे साथ गया होगा। तुम लोगों की इतनी हिम्मत हो गई, इतनी रात गए मुझे मिलने के लिए बुलाया है। हमारी हिम्मत बताओ, हमारी हिम्मत, एक तो आपकी याददाश्त कमजोर है, आपका काम हो गया तो मैं भूल गई। तुम लोग भूलने कहां दोगे, ये रहे तुम्हारे पैसे, हमारा तुम्हारा हिसाब खत्म, तो आगे से कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना। किधर गए? इस तरफ गए शायद।
ओ मैडम मैडम मैडम, हिसाब खत्म? कैसे बात कर रही है? मैडम लेन देन तो अभी शुरू हुआ है ना, मैं समझाता हूँ। क्या है ना, हमारी जो डील है ना, वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है ना, वैसी है। अब मुर्गी को एक ही बार में हलाल तो नहीं कर सकते ना, तो यू समझ लो कि जब जब हमें भूख लगेगी तब तब हम हमारा सोने का अंडा लेने आ जाएंगे। एक सेकेंड, ब्लैकमेल करने की सोचना भी मत, जो दिए हैं उसे भी एहसान समझो। और हाँ, जो कुछ भी हुआ है ना, वो तुम्हारी फैमिली ने किया है, तो अगर ये बात बाहर आई तो सारा इल्जाम तुम्हारे सर पर आएगा। सो आइंदा से नो कॉल्स नो कॉन्टैक्ट। जितना मुंह बंद रखोगे ना, सांस लेने में तकलीफ उतनी कम होगी। और हमारी तरह बिजनेस फैमिली है, तुम बस एक बार उससे बात कर लो। आपकी इस जल्दबाजी से मुझे पता चल रहा है ये रिश्ता मेरे लिए नहीं, आपके लिए अच्छा है। बेटा, हमें पता है कि हम बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, लेकिन तू जितनी जल्दी परागी को भूल जाएगा उतना ही तेरे लिए अच्छा है। माँ, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, एक बार परागी के साथ ये सब कुछ खत्म हो जाए, उसके बाद आप जो कहेंगी जैसा कहेंगी मैं कर लूंगा। सच बेटा, सच कह रहा है तू? एक बेटा अपनी माँ की बात मानने लगा है, देखना अब सब ठीक होगा। मैं साईनाथ महाराज के आगे दिया जला कर आती हूँ। प्रमोद, संजू पक्का डिवोर्स के बारे में ही बात कर रहा था ना? और किसकी करेगा? करेक्ट। वैसे ये रिश्ता होते ही उन लोगों से बिन मांगे इतना दहेज आने वाला है ना कि तुम्हें इन फ्यूचर कभी कोई फंडर की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। धीरे बोलो बेबी, घर में किसी को भी शादी के पीछे की सेटिंग नहीं पता चलनी चाहिए। एक बार बस शादी हो जाए। जो इंस्पेक्टर आया था उसे सिक्योरिटी से रिलेटेड हर एक प्रोटोकॉल का पता था। करेक्ट। मिश्रा जी, आप मुझे एरिया के सारे इंस्पेक्टर की डिटेल ईमेल कीजिए। ओके, प्लीज कंटिन्यू। आई होप कि इतने प्रूफ काफी होंगे परागी के लिए, चाचू के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग केस बन सकता है। आपको शर्म आ रही है? मैंने आपको बोला ना कि मुझे डिवोर्स पेपर्स आज के आज चाहिए। नहीं, मुझे अभी इसी वक्त मेल कीजिए आप। जी संजू, संजू तुम परेशान मत हो, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा पर सब ठीक हो जाएगा। चलो अब आ जाओ, ब्रेकफास्ट रेडी है। हुँ? तुम अपना दिल दुखी मत करो, तुम्हारी तकलीफ बस अब थोड़े ही टाइम की है। चलो आ जाओ। दिल तो दुखी है चाची, अपने प्यार को बचाने के लिए अपने परिवार के खिलाफ सबूत जो ढूंढने पड़ रहे हैं, पर मैंने डिसाइड किया है मैं सच का साथ दूंगा।
दिस इज द गाय, यही है जो उस दिन सिक्योरिटी इंचार्ज थे। मयंक टीचू, जीजू, यू नो दिस गाय? यस सर, ये मेरे जीजू हैं। योर जीजू, यू मीन योर फैमिली मेंबर? यस सर, सर आई एम रियली सॉरी फॉर ऑल दिस। वंस अगेन, अपनी आदत से बाज नहीं आने वाली ये लड़की। वैसे भाभी, लड़की वालों का मैसेज आया था, वो एक बार संजू से मिलना चाह रहे हैं। नहीं बेबी, अभी कहाँ, अभी ऐसे कैसे मिल सकते हैं? भाभी सिर्फ मिलना ही तो चाह रहे हैं, एक बार दोनों फैमिलीज आपस में मिल जाएंगी तो तसल्ली हो जाएगी। पर शादी ब्याह में तो टाइम लगता ही है। हम उनकी फैमिली से मिलेंगे, फिर लड़का लड़की आपस में मिलेंगे, दोनों फैमिलीज में बातें होंगी, फिर जा करके चीजें आगे बढ़ेंगी। और इन सब में तो टाइम लग ही जाता है ना भाभी। संजू का डिवोर्स होते ही आपको ही तो उसका दूसरा घर बसाना है ना, इन सब के लिए टाइम तो लगता ही है ना भाभी। तो इसके लिए हमें अभी से ही तो शुरुआत करनी होगी। हाँ तुम सही कह रही हो, ठीक है बुला लो उनको। तो फिर ठीक है, मैं उन्हें कॉल करके बुला लेती हूँ। हाँ मिल लेते हैं। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि परागी जल्द से जल्द मेरे संजू की जिंदगी से चली जाए। जितनी जल्दी वो जाएगी उतनी जल्दी खुशियां इस घर में आएंगी। खुशियां आप रख लेना, मुझे तो आने वाले पैसों से मतलब है, मेरी खुशी तो उसी में है। ये सब जो है वो खाने के टाइम, ठीक है? ये किस चीज की तैयारियां हो रही है सुषमा जी? आप लोग जाइए, जाके टेबल लगवा दीजिए। किसी को इनवाइट किया है क्या आपने? विनोद जी, आपको जानबूझकर पहले से नहीं बताया, बता देती तो आप अपना मूड भी खराब करते और हमारा भी। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये है विनोद जी कि आज संजू से मिलने लड़की वाले आ रहे हैं। सुषमा जी आप जानते हैं, आपको पता है ना कि ये गलत है, या फिर मैं आपको समझाऊं? देखिए सुषमा जी, आप अच्छी तरह से जानती है कि संजू और परागी एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं और आप उन दोनों को अलग करने में लगी हुई हैं। प्यार सिर्फ मेरे बेटे ने किया था विनोद जी, जिसकी कदर परागी ने बिल्कुल नहीं की। हाँ थोड़ा टाइम लगा लेकिन संजू को भी समझ में आ गया, इसीलिए वो उसे डिवोर्स दे रहा है। इस बार मैं अपने बेटे के लिए ऐसा लाइफ पार्टनर चुनूंगी जो हर कदम पर उसका साथ देगी, उसे धोखा नहीं। नहीं 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 सुषमा जी, ये गलत है, आप जानती है ये गलत है। परागी के इस घर में आने के बाद से विनोद जी आपकी नाराजगी सहने की आदत सी हो गई है। बस एक विनती है कि लड़की वालों के सामने आप शांत रहिएगा, मैं आपके आगे हाथ जोड़। हाथ मत जोड़िए सुषमा जी, शांत रहने की बात तो दूर, मैं वहां पर आऊंगा भी नहीं। और एक बात मैं आपको बता देता हूं कि मेरे लिए संजू की पत्नी परागी है और हमेशा रहेगी। भाई साहब आइए बैठिए। नहीं संतोष जी, मैं ठीक हूं। पापा आप ठीक नहीं लग रहे हैं, आपकी तबीयत ठीक है ना? जिस बाप की बेटी घर से दुखी होकर चली गई हो वो बाप ठीक कैसे हो सकता है? परागी बेटा, संजू को तुम पर पूरा यकीन था, बस कुछ समय के लिए थोड़ा डगमगा गया है, पर मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और हमेशा रहेगा बेटा। देखो जिस सिचुएशन से संजू गुजर रहा है वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए प्लीज उसे आके संभाल लो, समझाओ उसे, कहीं ऐसा ना हो कि
अपनी माँ और चाची की बात में आकर वो कोई गलत फैसला ले ले। पापा, मैं संजय को नहीं समझा सकती। मतलब हम दोनों के बीच समझाने जैसा कुछ रहा ही नहीं। पापा, जो होना था सो हो गया। पर आगे ये क्या हो गया तुम दोनों को? बहुत उम्मीद लेकर आया था तुम्हारे पास। प्लीज नाराजगी छोड़ दो और अपने रिश्ते को बचा लो। पापा, मैं आपसे और झूठ नहीं बोल सकती। आपकी पराकी फेल हो गई, हार गई मैं और थक गई हूँ। रोज रोज सबके सामने अपने आप को साबित करके मैं थक गई हूँ। अब हम बात नहीं कर रहे, हमारे लॉयर एक दूसरे से बात करेंगे। मेरे और संजय के रास्ते अलग हो चुके। मुझे संजू से डिवोर्स के बारे में बात करने जाना है, मैं जाती हूँ। राखी, उस दिन मुझे और बत्रा सर को बेहोश किसने किया था? अब वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा, बाकी की पूरी लाइफ जेल में काटेगा। सीसीटीवी फुटेज? चीजा जी ने तो कहा था स्कूल में सीसीटीवी है ही नहीं, फिर ये फुटेज कैसे आया? अगर मयंक चीजा जी फंसे तो हम भी फंसेंगे। आप एक काम कीजिए, आप वहीं रुकिए, मैं अभी आ रही हूँ। गॉड, मैं तो घर पे लेट हो गया, पर आगे वहां मेरा वेट कर रही होगी। सब कुछ इस प्लान पे डिपेंड करेगा और ये प्लान सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी है। संजू, संजू बेटा क्या कर रहा है? अभी तो तू आया था, अब वापस कहाँ जा रहा है? हाँ माँ, वो मैं आशी, आशी बेटा, आशी क्या हुआ? क्या हो गया बेटा? कुछ नहीं, कुछ नहीं ना, वो स्लिप हो गया पैर, बहुत जोर से लगी बेटा। नहीं माँ, ठीक है, वो पता नहीं कैसे स्लिप हो गया। दी, मैं एक काम करता हूँ, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, रिलैक्स, मैं ठीक हूँ, देख। अरे आशी बेटा, आराम से, आराम से, आराम से, दी 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 आराम से। संजू को बुलाने दे डॉक्टर को बेटा। माँ ठीक है एकदम। तुम्हारी बहन, इसका तो घर बार बर्बाद हो चुका है, इसको नींद नहीं आने वाली है, खामखा हमारी भी नींद खराब कर रही है। चलो चलते हैं। कहाँ रह गए थे तुम? इसमें सारे सबूत है ना? थैंक यू सो मच। इतना वेट करवाया तुमने, तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो क्या? नखरे तो गर्लफ्रेंड वाली है। क्या? मेरा मतलब है कि वो आशीदी के पैर में चोट लग गई थी। आशीदी के? कैसे? अरे तुम दी की बात छोड़ो, ये लोग जो अभी पीछे हैं उनका क्या करना है? अरे अरे, ये कहां गायब हो गए? अरे अभी अभी तो यही थे, अरे पता नहीं कहाँ गए। ठीक है रिलैक्स शिवा, पर आ गई है ना, घर वापस आएगी। अभी तक सब कुछ सही हुआ है, आगे भी सही होगा, डोंट वरी। क्या हुआ, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? संजू, अतुल भैया ने मुझे शतरंज खेलना सिखाया था, आज उन्हीं के खिलाफ चाल चलनी पड़ रही है। मैं समझ सकता हूँ परागी, अपनों के साथ लड़ने से पहले अपने साथ लड़ना होता है, लेकिन हमें ये लड़ाई लड़नी होगी क्योंकि यही सही की लड़ाई है, हम पीछे नहीं हट सकते। अब भगवान श्री कृष्ण को देख लो, उन्होंने तो सही के लिए अपनों के साथ लड़ाई लड़ी थी। तुम्हारे लिए गीता का ज्ञान सिर्फ यही है कि सिर्फ और सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करो, पर यह बिल्कुल मत सोचो कि कौन अपना है और कौन पराया है, सब ठीक हो जाएगा। करेक्ट,
अब जब जूझना पड़ रहा है तो ऐसा लगता है कि क्यों ही बड़े हो गए, क्यों ही मैच्योर हो गए। बच्चे थे तो सब कुछ कितना अच्छा था, अपना पराया, तेरा मेरा, पैसा वैसा, इन सब चीजों की कोई फिक्र ही नहीं थी। और आज देखो, खुद को साबित करने के लिए लिटरली अपनों से ही लड़ना पड़ रहा है। मैं तुम्हारे हर दर्द को समझता हूँ, मैं भी सेम हालातों से गुजर रहा हूँ, लेकिन टेंशन वाली कोई बात नहीं, जब संगी साथ है तो सब कर लेंगे। और एक सवाल, अगर तुम बच्ची होती तो हम दोनों मिलते कैसे? बच्चे होते तो भी हम मिलते। कैसे? तोतली तोतली बातें करते, पल मिलते दलूल और बोलते हाय तंदू, हाय पल्लू। तो वो लोग कल आएंगे। जवान लड़की है, क्या हुआ उसे? फूड पॉइजनिंग, आप तो जानती है ना, आजकल के बच्चे कुछ भी बाहर का खा लेते हैं। खैर कोई बात नहीं बेबी, कल रात से मेरे मन में एक बात चल रही है। क्या हुआ भाभी? मैं खुद एक लड़की की माँ हूँ, इसलिए ये बात शोभा तो नहीं देती है, पर परागी ने मेरे मन में ऐसा वहम बिठाया है ना कि अब मैं बहुत सतर्क हो गई। पर बात क्या है भाभी? प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर? हाँ बेबी, मैंने ये प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया है लड़की के बारे में जांच पड़ताल करवाने के लिए। काश परागी की भी इंक्वायरी करवाई होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। बेबी, मेरा मुंह दूध ने जलाया है, मैं छाछ भी फूक फूक कर पीऊंगी। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि संजू के लिए जो भी रिश्ता आएगा पहले मैं उसकी जांच पड़ताल करवाऊंगी। सामने से सब मीठे बनते हैं, बाद में जाके सब कड़वे हो जाते हैं। इसीलिए ये जरूरी है। और हो सकता है उन लोगों ने भी संजू की जांच पड़ताल करवाई हो, फिर इसमें बुराई क्या है? मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? भाभी आपने कुछ गलत नहीं किया है, आप ये विजिटिंग कार्ड मुझे दे दीजिए। पापा आप किनारों के पास उठ रही लहरों का शोर सुन सकते हैं, एक बार गहरे समुद्र की खामोशी को महसूस करने की कोशिश कीजिए। जो हो रहा है उसे होने दीजिए, एंड बिलीव मी आखिरी में सब कुछ सही होगा। गलत फैसलों का परिणाम कभी अच्छा नहीं होता है संजय, कुछ अच्छा नहीं होगा। पर भाई साहब, संजू ने अपने मन की बात तो कह दी है, अब आप भी हमारी तरह इस रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए। और वैसे भी संजू ने परागी को भूल करके आगे बढ़ने का मन बना लिया है। विनोद जी, आपके बेटे की नई खुशियां दहलीज पर खड़ी है, उस परागी के लिए प्लीज प्लीज उन्हें मत ठुकराइए।